नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। विगत दिनों राजस्थान के दौसा की डॉक्टर अर्चना शर्मा को प्रताड़ित किए जाने के बाद हुई मौत पर देश भर के डॉक्टर एसोसिएशन ने विरोध स्वरूप पैदल मार्च निकालकर कैंडल जलाया और मृतक डॉक्टर अर्चना शर्मा के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई और सरकार से मांग किया कि जिस तरह एक डॉक्टर अपनी सेवाएं देता है और अपने मरीज के प्रति उसकी निष्ठा निश्चल होती है, उसके बावजूद एक घटना राजस्थान के दौसा में घटित हुई जिस मरीज का इलाज डॉक्टर अर्चना शर्मा ने किया, उसकी यह चौथी डिलीवरी हो रही थी। इसके पूर्व के डिलीवरी भी मृतक डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कराया रहा, परंतु इस बार हालात बेहद नाजुक रहे और चौथी डिलीवरी के समय प्रसूतिका की मौत हुई, जिसका कसूरवार इलाज करने वाली डॉक्टर अर्चना शर्मा को स्थानीय नेताओं ने ठहराया और उसके विरुद्ध पुलिस में हत्या का मामला दर्ज कराया, जिससे मानसिक दबाव और अपने पेशे को लेकर चिंतित हुई और इतना दबाव बनाया दौसा के नेताओं ने कि डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर लिया। अपने पीछे एक चिट्ठी छोड़ गई जिसमें बकायदा उल्लेख है कि उसने कोई गलत कार्य नहीं किया और मेरे मरने के बाद उसके बच्ची का ध्यान रखा जावे। वाकई यह एक मार्मिक पत्र है और इन सभी मुद्दों पर कटनी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एकजुट होकर कल दिनांक 2 अप्रैल को सुबह 6 बजे से 4 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कटनी के सभी क्लिनिक हॉस्पिटल के ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद रखने की घोषणा किया है। हालांकि यह बताना भूल गए डॉक्टर कि इस बंदी से जो प्रभावित होगा उसके लिए विकल्प क्या होगा, इस पर सवाल किया गया तो कहा कि ऐसी किसी इमरजेंसी आने और सरकारी अस्पताल में सेवाएं ली जा सकती है, यानी निजी क्लिनिक प्राइवेट सभी अस्पताल बंद रखने घोषणा किया है। संवाददाता जहेद हुसैन सिद्दीकी किटनी। घर के लोग भी इस बात से संतुष्ट थे कि चिकित्सक ने पूरा प्रयास किया, लेकिन वहाँ के जो कुछ एक नेता लोग थे जो व्यक्तिगत देशभाव रखते थे, उन्होंने उसको लाकर प्रदर्शन किया, अस्पताल में तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ करने के बाद जब उन्होंने पुलिस में की मदद चाही, इसके पहले भी 2 साल पहले भी उसी व्यक्ति के खिलाफ उस दंपति ने रिपोर्ट की थी पुलिस थाने में, उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और जब उनके अस्पताल की तोड़फोड़ की गई उस समय भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने की बजाय लेडी डॉक्टर के ऊपर और उनके पति के ऊपर हत्या 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट रूप से गाइडलाइन है कि जब तक कोई भी कॉम्प्लिकेशन ये प्रमाणित नहीं हो जाता है कि उसमें लापरवाही बरती गई है और उसमें हाई पावर कमेटी उसकी जांच करके अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती है, तब तक निग्लिजेंस का केस दर्ज नहीं किया जा सकता है। लेकिन निग्लिजेंस तो दूर, उनके ऊपर मर्डर का केस दर्ज किया गया और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने दुखित होकर आत्महत्या कर। इसके विरोध में क्या आप लोग कटनी बंद करेंगे? विरोध में पूरे देश में कल पूरे भारतवर्ष में अस्पतालें, क्लिनिक, लैब सभी बंद रहेंगी और हमारे सभी जगह पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चिकित्सकों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि इस प्रकार के वातावरण में चिकित्सक कैसे काम करें। गंभीर मरीज आता है, उसके इलाज के लिए, जान बचाने के लिए चिकित्सक पूरी जी जान लगाते हैं। आप कल बंद होने से कोई गंभीर मरीज आता तो उसको कल सुविधा नहीं मिल पाएगी, इलाज की सुविधा नहीं मिल पाएगी। शर्मा मैडम के साथ जो इंसिडेंस हुए, जो घटना हुई है, वो एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है, मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं और ये बुक में भी लिखा है और हम रोज दिन प्रतिदिन जब भी सर्जरी करते हैं हमको ये समझ में रहता है कि ऐसे कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती ही है डिलीवरी के बाद से। ऐसा नहीं है कि वो पहला बच्चा हो या चौथा बच्चा हो या बच्चे की जितनी संख्या बढ़ाएंगे उतनी ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती है। चूंकि ये नॉन कॉम्प्लिकेशन है, मैडम ने पूरी ट्राई किया, उनको 2 ब्लड चढ़ाया, उसके बाद भी उनकी जान नहीं बच पाई, तो वो बहुत दुखद घटना थी। और ये नॉन कॉम्प्लिकेशन के होते हुए उसके ऊपर इस तरह 302 लगाया तो मैडम को बहुत सह नहीं पाई होंगी, इसलिए उन्होंने ये सुसाइड किया। क्योंकि डॉक्टर अपना पूरा प्रयास करता है कि पेशेंट इतना जल्दी अच्छा से अच्छा हो जाए, किसी डॉक्टर को। आप लोग आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या मैं संदेश देना चाहते हैं सरकार को? इस माध्यम से हम संदेश ये देना चाहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन और नेग्लिजेंस दोनों में डिफरेंस, नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही और कॉम्प्लिकेशन मतलब जटिलता, ये दोनों चीजें में थोड़ा डिफरेंस है। इसके डिफरेंस मतलब समझ में आए लोगों को, कोई लापरवाही नहीं कर सकता।
नहीं, आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल जो हस्तक्षेप है आप लोग के कामकाज पे वो बढ़ता जा रहा है, होती है जिसमें लोगों को बहुत सारी चीजें पता नहीं रहती, जैसे कब उनको 302 नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो प्रेशर में आके लगाए होंगे जैसे हम लोग सोचते हैं, जैसे हम लोग का मानना है, लेकिन ये सब चीजें प्रेशर नहीं होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप डॉक्टर के ऊपर 302 नहीं लगा सकते तो नहीं लगाना चाहिए भाई, कॉम्प्लिकेशन हुआ है उसको ट्रीट करो। पुलिस से बहुत ज्यादा प्रेशर है, ऐसे में क्या होता है कि हम जाके भी बहुत सीरियस मरीज का इलाज नहीं कर पाएंगे ना, अल्टीमेटली नुकसान पेशेंट का ही होगा, ये आम जनता को बहुत समझना जरूरी है। हमें जिसको हम कर सकते हैं, जिसकी जान बचाई जा सकती है, वो भी इस डर के मारे नहीं बताएंगे, अरे बहुत सारे लोग आएंगे अस्पताल में तोड़फोड़ करेंगे, हमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो डॉक्टरों के लिए इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है, पुलिस पकड़ के ले जाना ये बहुत बड़ा ऐसा लगता है हम सबको, तो इसलिए भी वो सीरियस मरीज को हम हाथ नहीं लगाते कि ये कोई बाकी लोकल लीडर्स या वकील और दूसरे लोग आके उसको इंटरफेयर ना करें। मैडम शासन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में हम सब चिकित्सकगण जो कि कटी शाखा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, इसमें इकट्ठे हुए हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा के को श्रद्धांजलि देने के लिए। डॉक्टर अर्चना शर्मा राजस्थान के दौसा गांव या क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, और इन्होंने अपना मेडिकल कॉलेज का पद छोड़ के गाँव के इलाके में अपने हस्बैंड जो कि मानसिक रोग विशेषज्ञ थे, उन्होंने मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर का पद त्यागा और गाँव में जाके एक अस्पताल खोल के गरीब लोगों की सेवा करने का प्रण लिया। और इन्होंने अभी 4-5 साल पहले ही अपना अस्पताल 2-3 साल पहले खोला था, और उस अस्पताल में ये गरीबों की बहुत सेवा कर रहे थे, और जिस औरत के साथ में या जो पेशेंट या जो मरीज मरा है या जिसको एक कॉम्प्लिकेशन हुआ था ब्लीडिंग का, वो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हुई और उसमें वो ब्लीडिंग से संभल नहीं पाई, उसका वो चौथा बच्चा था, और इसमें जो दूसरा और तीसरा बच्चा था वो जुड़वा थे, जो कि डॉक्टर अर्चना शर्मा ने ही अपने अस्पताल में डिलीवरी कराई थी। ये चौथा बच्चा, क्योंकि ये डिलीवरी के साथ साथ टीटी नहीं कराना चाहते थे जो कि सरकारी अस्पताल में बाध्यता थी, इसलिए ये इनके पास आए करवाने के लिए। उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशन हुआ, उस कॉम्प्लिकेशन के बाद जो परिजन थे वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट थे डॉक्टर से, उन्होंने बहुत मेहनत की उसको बचाने के लिए, लेकिन वो बचा नहीं पाए। पर उसके बाद ये शव को लेके जब वो लोग घर चले गए, उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि हमें एम्बुलेंस करा दी जाए, तो वो घर ले गए। घर ले जाने के बाद वहाँ कुछ लोकल नेता लोगों ने और कुछ और तत्वों ने साथ में मिल के उस शव को ले जाके उनके हॉस्पिटल के सामने रख के धरना प्रदर्शन किया, और प्रशासन के ऊपर और पुलिस महकमे पर दबाव डालते हुए उनके ऊपर 302 धारा लगाई। उसके मानसिक प्रताड़ना को वो झेल नहीं पाई, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक रूप से मरीज से भी जुड़ी थी और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, तो उन्होंने ये एक आत्मघाती कदम उठाया और अपनी जान ले ली। पर उस जान लेते समय उसके पहले वो एक संदेश देके गई, जो कि यहाँ बैनर में पीछे उनका सुसाइड नोट लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि शायद मेरा मरना ही डॉक्टरों को वो दिला सकता है या लोगों को चेता सकता है कि इस तरह की कोई चीज़ डॉक्टर लोगों के साथ ना की जाए। क्योंकि सीधी सी बात है कि लापरवाही होना और कॉम्प्लिकेशन होना, ये दोनों एक अलग अलग बातें हैं, और लापरवाही तभी सिद्ध होती है जब तक कि एक चिकित्सा बोर्ड बैठ के ये डिसाइड नहीं करता कि हम मतलब ये डॉक्टर गिल्टी है। अदरवाइज पुलिस को या किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर के ऊपर इस तरह का आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और इसको फॉलो किया जाए, उसकी लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए हम ये शांति मार्च निकालना चाहते हैं, जिससे कि मीडिया कर्मी को भी और साधारण जनता को, लोकल जितने भी हमारे नेता लोग हैं, प्रशासनिक महकमा है, सबको एक बार
उस नियम कानून से पुनः अवगत करा सकें और उनको पैम्पलेट के माध्यम से हम जनता को ये सौंपना चाहते हैं जिससे आगे की इस तरह की घटनाएं ना हों।